आप लोगों ने मुझे बोला था ये वाला वीडियो करने के लिए बेस्ड ऑन दिस पोल, और लिटरली मैं ये वीडियो शूट करने की कोशिश ना पिछले 3 हफ्ते से कर रही हूँ। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू आई गॉट अ न्यू कैमरा स्पेसिफिकली टू इम्प्रूव द वीडियो क्वालिटी, और इसीलिए मैं चाहती थी ये वीडियो मैं इस नए कैमरा से शूट करूँ, बट हर हफ्ते कुछ ना कुछ हो जाता है और इस चलते ये वीडियो लेट होता गया। तो इसलिए मैं आपके लिए मिड वीक ये वीडियो लेकर आई हूँ, बिकॉज यू ऑल रिक्वेस्टेड, एंड क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ टैक्स रिडक्शन पे भी काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। तो इस संडे वो वाला वीडियो भी आने वाला है। बिफोर यू फाइल योर टैक्सेस वो वीडियो चेक करना मत भूलना, क्योंकि उसमें मैं पूरी की पूरी सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स, माय नेम इज सिया, और आज हम डिस्कस करने वाले गूगल शीट्स के बारे में। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने 5 तरीके जिनसे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाती हूँ गूगल शीट्स के थ्रू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको बिजनेस रिलेटेड बहुत ही सारे वीडियोस देने वाली हूँ बहुत जल्द। तो चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो या स्टूडेंट हो या कोई भी ऐसे इंसान जो लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू अपना टाइम मैनेज करना चाहता है या अपने डेटा को यूज करना चाहता है और ज्यादा प्रोडक्टिवली, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कोई ना कोई जरूर ऐसी टिप होगी जो आपको बिल्कुल नई और पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना इन 5ों में से आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा। फर्स्ट मेथड इज प्लान माय वीक। तो वैसे तो मैं कैलेंडर का यूज करती हूँ अपना टाइम मैनेज करने के लिए, और कैलेंडर में मेरा एक रेगुलर स्केड्यूल होता है जिसको मैं शायद 2-3 महीने से कभी चेंज करती हूँ। और कैलेंडर में बहुत इजी होता है आपके लिए कोई भी चीज़ को ड्रैग करके ऊपर नीचे लेकर जाना। स्टिल एग्जैक्टली क्या काम करना है ये सब चीज़ें मैं कैलेंडर में एडिट नहीं करती हूँ रोज रोज, मेरा कैलेंडर मोर और लेस फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कैलेंडर में डाला है सैटरडे को आई हैव टू शूट 2 वीडियोज और 1 वीडियो, तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा वीडियो शूट करना है या कौन सा वीडियो एडिट करना है या कोई भी और चीज़ में एग्जैक्टली क्या काम करना है, इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ गूगल शीट। तो ये है मेरा गूगल शीट्स का फॉर्मेट। तो इसमें आप देख सकते हो मैं अपने हर एक टास्क को कलर कोड करती हूँ, जैसे कि एनीथिंग रिलेटेड टू स्पीकिंग आई विल कोड इट एज रेड, और एनीथिंग रिलेटेड टू कोर्स क्रिएशन आई विल कोड इट एज येलो, जिससे मुझे देखते ही पता चल जाए मुझे किस टाइप की एक्टिविटी किस दिन करनी है। इसमें भी मैंने अपने वो कैलेंडर वाले टाइम ब्लॉक्स डाले हुए हैं, लेकिन मैं उसको उस पर्टिकुलर डे में डिसाइड करती हूँ कि मुझे कब क्या करना है। लेकिन मैं फिर भी टाइम लिखना बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ और आपको भी रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाता है हमारे पास एग्जैक्टली कितने आवर्स है काम करने के लिए, ताकि हम उसी हिसाब से अपने आप को काम अलॉट करें। एक कहावत है, यू अंडर एस्टिमेट योर होल ईयर एंड ओवर एस्टिमेट अ सिंगल डे। तो मैं नहीं चाहती मैं ओवर एस्टिमेट करके खुद को बहुत सारा टास्क दे दूं ना कंप्लीट कर पाऊं, इसलिए मैं यूजुअली टाइम करके रखती हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा फिक्स नहीं रहती टाइम के साथ। ऊपर से मंडे टू फ्राइडे बिकॉज आई एम वर्किंग, तो 9 से 10 घंटे मेरे ऑफिस के काम में जाते हैं, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी टाइम ब्लॉकिंग नहीं करती। ऑफिस का काम वहाँ के हिसाब से होगा, जिसके लिए मुझे कोई भी टाइम ब्लॉकिंग या प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जो कैलेंडर है ना, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के साथ शेयर रहता है। उनको पता रहता है कि कब कौन सा टाइम स्लॉट अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली वो मेरे लिए मीटिंग्स या कॉल्स या इवेंट्स बुक कर लेते हैं। सो दिस इज वन वेरी वेरी एफिशिएंट वे, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा, और आपकी टीम को पता होगा आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो। आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ अगर आप ऐसे इंसान हो जो गूगल कैलेंडर किसी और कैलेंडर ऐप पे ही अपनी सारी चीजें मैनेज कर लेता है ना, इन दैट केस आपके लिए शायद ये टिप हेल्पफुल ना हो। लेकिन अब हम बढ़ेंगे दूसरी टिप पे जो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। तो सेकेंड मेथड इज टीम टास्क। तो जैसे मैंने आपको कैलेंडर में बोला कि मेरा कैलेंडर मेरी टीम के साथ शेयर्ड रहता है और अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले सकते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप चाहते हो आपके टीम मेंबर्स करें, आप उसको देखते रहो कहीं पे भी ऑन द गो, बिकॉज गूगल शीट्स आप अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों में ही चेक कर सकते हो। सो इन माय पर्टिकुलर केस मैं क्या करती हूँ, कोई भी वीडियो फाइनल होने के बाद आई मेंशन द टॉपिक और डेट, इनफैक्ट कीवर्ड्स एक दो अगर मेरे माइंड में होते हैं आई मेंशन दैट एज वेल। फिर मेरी टीम उस पर काम करती है डिस्क्रिप्शन और टैग्स डालने में, तो वो एक ही गूगल शीट में मल्टीपल लोग काम कर लेते हैं और हमें एक दूसरे से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट भी नहीं करना पड़ता, बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स या फॉलोअप्स नहीं करने पड़ते, बिकॉज डेट डेडलाइन सब कुछ ऑलरेडी मेंशन होता है एक ही गूगल शीट में। तो ये तो हो गया मेरा काम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मान लीजिए आपके पास कुछ इन्वेंट्री है जिसके आगे आपको कस्टमर्स वाइज अलॉट करना है, या फिर आपको अपने कस्टमर की ईमेल लिस्ट मेंटेन करनी है, या कोई और इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, आपको अपने स्टॉक के बारे में इन्वेंट्री के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है जहाँ मल्टीपल टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, या तो आप उनको व्यूइंग राइट देना चाहते हो या एडिटिंग राइट देना चाहते हो, तो बहुत ही सही तरीका है गूगल शीट, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा
टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ता, सब लोग साइमल्टेनियसली देख सकते हैं स्टेटस। बट मैं आपको इस चीज में एक कैवेट देना चाहूंगी कि इट वर्क्स वेरी वेल जब आप स्मॉल टीम्स में काम कर रहे हो। अगर आपकी बहुत ही बड़ी टीम है तो शायद ये इतना इफेक्टिव वे नहीं होगा। देन आपको प्रॉबली टीम लीड्स से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ एंटायर टीम। थर्ड वन इज कंटेंट कैलेंडर। मैं अपने कैलेंडर की दोबारा बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ आई प्लान माई कॉन्टेंट, क्योंकि यूट्यूब इज अ मेजर चंक ऑफ वॉट आई डू। इसलिए नॉट जस्ट यूट्यूब, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीजों पे भी रेगुलर होने की कोशिश जरूर करती हूँ। और इसके लिए मुझे पहले से ही कॉन्टेंट प्लान करना पड़ता है, स्पेसिफिकली बिकॉज आई हैव अ हेक्टिक जॉब एंड मुझे वीकेंड्स पे ही ज्यादातर टाइम मिलता है, वीकडेज पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आई मेंटेन दिस काइंड ऑफ कैलेंडर जहाँ पे मैंने यूट्यूब को अपना पहला कॉन्टेंट बनाया हुआ है। YouTube के कंटेंट के अकॉर्डिंग आई प्लान माय Instagram पोस्ट, Facebook पोस्ट और Instagram पोस्ट मोर और लेस सिमिलर ही रहती हैं। उसके साथ साथ आई ऑल्सो प्लान ईमेल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। तो ब्लॉग मेरा बहुत ही जल्द आने वाला है, आई लेट यू ऑल नो एंड डोंट फॉरगेट टू गो एंड विजिट एंड चेक इट आउट। स्पेशली मेरे जो नेक्स्ट वीडियो होगा टैक्स रिडक्शन का, उसके ऊपर एक मैं पूरा डिटेल ब्लॉग डालूंगी ताकि आप लोग इजीली सब चीजें कर पाओ विदाउट एनी कंफ्यूजन। ऑल्सो ईमेल लिस्ट, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ईमेल्स पे रेगुलरली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या इवन वीडियोस के बारे में अपडेट्स भेजती रहती हूँ। तो अगर आप चाहते हो आप नीचे दिए गए लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हो ईमेल लिस्ट के लिए भी। उसके अलावा इंस्टाग्राम स्टोरीज जो ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस रहती है, मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करती हूँ, बट आई स्टिल कीप सम थीम इन माइंड, क्योंकि उस टाइप का थीम अगर बहुत टाइम से नहीं हुआ है तो मेरे को थोड़ा आइडिया मिल जाता है व्हाट आई कैन पोस्ट। अब जैसे आज ये वीडियो अपलोड हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग कल की इंस्टाग्राम की पोस्ट, फेसबुक की पोस्ट, एक या दो दिन के बाद की ईमेल, कई बार ब्लॉग पोस्ट, बट अभी तक ब्लॉग मेरा रेडी नहीं हुआ है, ये सभी चीजें मैं प्लान करती हूँ। तो अगर आपका भी कोई डिजिटल बिजनेस है या फिर आपकी किसी भी वे में ऑनलाइन प्रेजेंस है जिसके लिए आप सोशल मीडिया अपडेट करते हो, तो मैं आपको इस वाले अपने कॉन्टेंट कैलेंडर और साथ साथ अपने वीकली प्लानर दोनों ही शीट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज आपके बिजनेस फाइनेंसेस। इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, जैसे कि कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, इसके साथ साथ बहुत ही सारे वीडियोस हैं, मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। लेकिन यूजुअली क्या होता है, व्हेन वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट बिजनेस, हमारी बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन रहे होते हैं बिजनेस में, इन दैट केस आपको जरूरत नहीं है आप एक अकाउंटेंट या सीए को हायर करो। सो आप वो सब चीजें बाद में आउटसोर्स कर सकते हो, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे फिर भी बहुत सारे एक्सपेंसेस और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस तो होती ही है। उनको मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप खुद अपनी गूगल शीट में मैनेज करो। तो इन सभी वीडियोस में मैंने आपको सिखाया है कि आप अपना कैसे कैश मैनेज कर सकते हो, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो, और इन सब चीजों के साथ साथ मैंने आपको गूगल शीट के लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये ऐसे वाले वीडियोज हैं जो ज्यादातर लोगों के काम के नहीं है, अनलेस यू हैव योर ओन बिजनेस या आप इमीडिएटली स्टार्ट करने वाले हो। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉल करते हो और आपने ये वीडियोज नहीं देखे तो आपको जरूर जरूर चेक करने चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट में मुझे भी फाइनेंसेस बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे पहले, पर एक बार आप सीखोगे आपको समझ आएगा इतनी मुश्किल चीजें नहीं है और बहुत सारी चीजों पे आप अपना पैसा भी बचा सकते हो, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है, खास करके शुरुआत में। तो अगर आप टैली या अदर अकाउंटिंग में इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो लाइक मी, आई हाईली रिकमेंड यूज गूगल शीट्स फॉर द स्टार्टिंग। फिफ्थ वे आई यूज गूगल शीट्स इज शेयरिंग ऑल माई फॉर्मेट्स विद यू। तो जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंस पे फॉर्मेट्स, मेरे कैलेंडर्स, उसके अलावा मैंने एक बजट पे फॉर्मेट शेयर किया था, टैक्स सेविंग्स पे फॉर्मेट शेयर किया था। तो ये सभी फॉर्मेट्स, एक तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ ये सभी के सभी जो फॉर्मेट्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इजिली कॉस्ट इफेक्टिव वे में, मतलब कोई पैसे नहीं लग रहे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जब मैं शेयर करती हूँ आई गिव ओनली व्यूइंग राइट्स, मैं किसी को भी एडिटिंग राइट्स नहीं देती, बिकॉज अगर आपने एडिट कर दिया एक इंसान ने, दूसरा इंसान जब देखेगा उसको वो पूरा फॉर्मेट नहीं दिखेगा, या फिर पहले इंसान जिसने एडिट किया है उसका इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ व्यूइंग राइट्स देती हूँ, लेकिन आप उस पे फाइल पे जाकर मेक अ कॉपी करके अपनी ड्राइव में सेव कर सकते हो, आपकी खुद की गूगल ड्राइव में वो फॉर्मेट सेव रहेगा, फिर आप उसको जैसे चाहे एडिट कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। और कभी आपको लगे आपको फिर से फॉर्मेट चाहिए
तो आप दोबारा लिंक पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये मेरा फेवरेट तरीका है गूगल शीट्स यूज करने का, क्योंकि इससे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बहुत ईजी कर पाती हूँ। सारे के सारे फॉर्मेट गूगल शीट्स में डाल देती हूँ ताकि आप रेडीमेड फॉर्मेट को अपने हिसाब से यूज कर सके। अब क्योंकि मैंने आपके लिए मिडवीक वीडियो बनाया है ना, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। एंड स्पेशली बिकॉज इट वॉज अ रिक्वेस्टेड वीडियो, मैं इसको और डिले नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सके ये वीडियो डालने की कोशिश की है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया हो। और इस संडे हम बात करेंगे टैक्स रिडक्शन की, तो आप वो वीडियो जरूर जरूर देखना, स्पेशली अगर आप एक टैक्स पेयर हो तो।